अरे यार हट हो जाता तो। चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं रांची यूनिवर्सिटी का सिलेबस कैसे डाउनलोड कर लीजिएगा अपने मोबाइल पे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, क्योंकि एक एक करके मैं अगर बताऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, सबका कैसे कैसे डाउनलोड करेंगे, एक एक करके करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम सच में। ठीक है, और ये जो सिलेबस है आपका काम किसके किसके लिए देगा, तो देखिए 22-26 सेशन, 23-27 सेशन और आने वाला 24-28। ठीक है, जितना भी 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है सभी का ये सिलेबस काम में देगा। ये आपका लिंक है, आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, लेकिन मैं सिखा भी देता हूँ कि आपको कैसे डाउनलोड करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको आना है गूगल। ठीक है, गूगल इस तरह से ओपन कर लीजिएगा अपने मोबाइल का, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको अभी करके दिखाता हूँ। गूगल ब्राउजर, ठीक है, क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है और लिखिएगा यहाँ पे रांची यूनिवर्सिटी। ठीक है, जो लोग नहीं जानते हैं सीख लीजिए, आपको बता देता हूँ, क्योंकि एक एक करके मैं बना रहा हूँ तो यार मुझे लगता है 1 महीना लग जाएगा। एक दिन में एक बनाऊंगा तो 1 महीना लग जाएगा। ठीक है, देखिए इस तरह से मैं सर्च मार लिया। अब आने के बाद ये है आपका रांची यूनिवर्सिटी का वेबसाइट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने इसका होम पेज आ जाएगा। अब इसको ऊपर उठाना है। ठीक है, इसको थोड़ा सा काट लेते हैं, इसको ऊपर उठाइएगा, होम पेज को घिस के थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिएगा, ऊपर उठाइएगा। यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिलेगा क्विक लिंक्स में ये वाला FYUGPNAP 2020 लिखा होगा। ठीक है, और ये बुक पुस्तक छपा हुआ होगा, इसी पे आपको प्रेस करना है, क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा तो आप लोग सिलेबस पे आ जाइएगा। यहाँ पे लिखा है यूजी नेप सिलेबस 2020। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपका जो भी ऑनर्स है, यहाँ पे 2 सिलेबस है, ये आपको नहीं देखना है। ठीक है, ये वाला पुराना सिलेबस था, इसको आपको ध्यान में नहीं देना है, ये वाला नहीं है काम का, आपको ध्यान में देना है ये वाला। देखिए यहाँ पे आपको जो है, सबसे पहले देखिए अगर आप कॉमर्स कर रहे हैं, अकाउंटेंसी वगैरह, तो यहाँ से डाउनलोड कीजिएगा। अगर आप आर्ट्स कर रहे हैं, ठीक है, आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, तो ये आपका एंथ्रोपोलॉजी का ऑनर्स है। जो लोग एंथ्रोपोलॉजी किए हैं, ऑनर्स पेपर मतलब मेजर पेपर, ठीक है, इकोनॉमिक्स का है, ज्योग्राफी का है, हिस्ट्री, होम साइंस, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, देन आता है आपको यहाँ पे सोशियोलॉजी, ये वाला आर्ट्स के सब्जेक्ट। अगर आप आर्ट्स में लैंग्वेज लिए हैं, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश ऑनर्स, चाहे बंगाली ऑनर्स, चाहे फिलोसफी ऑनर्स, चाहे संस्कृत ऑनर्स या उर्दू ऑनर्स, तो आपका यहाँ पे है। अगर आप TRL कर रहे हैं, यानी कि ट्राइब एंड रीजनल लैंग्वेज, क्षेत्रीय भाषा का, जैसे हो, खड़िया, खोरठा, कुरुक, कुरमाली, मुंडारी, नागपुरी, पंचपरगनिया और संथाली, इनमें से किसी सब्जेक्ट में कर रहे हैं तो आपको यहाँ से डाउनलोड करना है। ठीक है, और ये वाला भाषा का है, ये वाला आपका आर्ट्स का है। अगर आप साइंस का स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे बॉटनी है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, जियोलॉजी है, स्टेटिक्स है एंड जूलॉजी है। ठीक है, ये आपका सिलेबस है। यहाँ पे आपको मेजर पेपर मिलेगा। ठीक है, क्या क्या पेपर मिलेगा मैं दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे जियोग्राफी का एक करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पे आपको जो पेपर मिलेगा ऑनर्स, अब जैसे कोई किसी का माइनर पेपर में है जियोग्राफी, तो यहाँ पे आपको सबसे लास्ट में आना है। अगर आपको माइनर देखना है, पहले टेबल ऑफ कंटेंट देख लीजिएगा इस तरह से कि किस सब्जेक्ट में कहाँ कहाँ पे आपका सिलेबस है। ठीक है, ये मैं दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे कहाँ गया यार, आ जाओ, बहुत लंबा है इसका PDF। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका नंबर ऑफ पेज नहीं दिया है, कोई बात नहीं, दिए देखिए। सबसे पहले यहाँ पे आपको मिलेगा मेजर पेपर का सिलेबस। ठीक है, जिनका मेजर पेपर से ऑनर्स पेपर, उनका भी सिलेबस है इसी में। सेक पेपर का सिलेबस, जिसे कोई ज्योग्राफी को सेक पेपर में रखा है तो उनका भी सिलेबस इसी में मिलेगा। ठीक है, और कोई माइनर पेपर में रखा है तो उनका भी सिलेबस इसी में मिलेगा। ठीक है, माइनर पेपर का अगर आपको सिलेबस चाहिए तो एकदम सबसे लास्ट में आना होगा, सबसे लास्ट में आ जाइएगा और सबसे लास्ट में आपका माइनर पेपर रहेगा। जैसे माइनर पेपर 7 का है, इसमें देखिए माइनर पेपर ये आपका 7 के लिए, सेमेस्टर 7 के लिए। ठीक है, फिर इसको ऊपर उठाइए तो माइनर पेपर सेमेस्टर 5 के लिए देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पे देखिए सेमेस्टर 5 के लिए, फिर आपका सेमेस्टर 3 को देखने को मिलेगा। ठीक है, और फिर सेमेस्टर 1 का आएगा माइनर पेपर, और इसके ऊपर जितना भी है इसके ऊपर में आपको देखने को मिलेगा आपका मेजर पेपर और आपका सेक पेपर। ठीक है, उसके लिए आपको सीरियल वाइज खोजना होगा, सेमेस्टर 1 का, सेमेस्टर 8 का। ठीक है, तो यहाँ से आपका माइनर पेपर, मेजर पेपर और सेक पेपर का सिलेबस मिल जाएगा। बाकी
ये रहा आपका कॉमर्स वाले यहाँ से। अब बोलिएगा इसके अलावा जो सब्जेक्ट है वो आपको यहाँ से डाउनलोड होंगे, जैसे कॉमर्स एंड जो सॉरी कॉमन एंड इलेक्टिव सब्जेक्ट जो कि सेमेस्टर 1, 2, 3 और 4 के लिए है वो आपको यहाँ से डाउनलोड करना होगा, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपका बैक पेपर जो कि सेमेस्टर 1 और 4 में केवल होता है तो यहाँ से डाउनलोड कीजिएगा। ठीक है, एमडीसी का पेपर यहाँ से डाउनलोड कीजिएगा और इस तरह से वोकेशनल इवेंट का यहाँ से। ठीक है, तो ये हो गया आपका, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। सपोज दैट मैं यहाँ पे ये वाला एक सेक पेपर डाउनलोड तो नहीं करूंगा, एमडीसी करता हूँ। ठीक है, जैसे एमडीसी सेमेस्टर 1, 2 और 3 में, तो यहाँ पे आपका सिलेबस दिया हुआ है एमडीसी का किस नंबर पे, ये देखिए ये टेबल ऑफ कंटेंट है और यहाँ से आपको पता चलेगा। जैसे आप सेमेस्टर 1 में मान लेते हैं, सेमेस्टर 1 में आपने कोई रख लिया है क्या रखते हैं एमडीसी में, ज्यादातर आदमी रखता है सेमेस्टर 1 में, वो रखता है जैसे क्या रखते हैं जी, हाँ इंट्रोडक्शन टू जेंडर इक्वेलिटी, ये सबसे ज्यादा रखा जाता है। तो पेज नंबर 8 में इसका सिलेबस है, यहाँ पे आइएगा पेज नंबर 8 और यहाँ से चेक कीजिएगा। आप इसको ऊपर उठाना होगा, यहाँ से पेज नंबर 8, 5 हो गया पेज नंबर, पेज नंबर 6, पेज नंबर 7 और ये पेज नंबर हमारा 8 आ गया। यहाँ पे देखिए सिलेबस है एमडीसी इंट्रोडक्शन टू जेंडर इक्वेलिटी। ठीक है, तो इस तरह से आपको खोजना होगा कहाँ पे किसका सिलेबस है। अगर आप सेमेस्टर 3 में है जैसे, तो सेमेस्टर 3 में मैक्सिमम आदमी ह्यूमन राइट्स को रखता है। ठीक है, यहाँ से चेक कीजिएगा ह्यूमन राइट्स सेमेस्टर 3, ह्यूमन राइट्स ये रहा सिलेबस। ठीक है, पेज नंबर 30, आप पेज नंबर 30 में आके खोज लीजिएगा, समझ रहे ना। इसी तरह से आपको यहाँ से खोजना होगा। डाउनलोड कैसे करना है और एक बार मैं बता दूं क्या, सबसे पहले आना है गूगल सर्च मारना है रांची यूनिवर्सिटी, फिर आप रांची यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आ जाइएगा। ठीक है, उसके बाद आपको वेबसाइट पे आने के बाद इसको ऊपर उठाना है और क्विक लिंक में आ जाइएगा, बहुत ज्यादा पार गए ना, हाँ क्विक लिंक्स, यहाँ पे एनईपी पे क्लिक करना है। एनईपी पे क्लिक करने के बाद आप लोग पेज पे आ जाइएगा और ये पेज आपको मिल जाएगा। बाकी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा, यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और साथ में ये रांची यूनिवर्सिटी के साथ साथ आपका नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी का भी काम देगा और DSPMU का भी काम देता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। और अब मैं आप लोगों का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब करवा दूंगा। ठीक है, बाय।